का समय बेस्ट जो टाइम होता है, जो अगली सुबह होता है और शाम का होता है। दोपहर हमें पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो सन है वो हमारे छत पर होता है, मीन्स हमारे हेड पर होता है, इसलिए हमें वो जो फूल है वो मुरझा जाते हैं, इसलिए हमें दोपहर पानी नहीं देना चाहिए। वो जो राइम्स थी, वो जो पोएम थी, उस पर कुछ एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट, यानी कि प्लांट में पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, यानी कि सुबह और शाम का जो टाइम है वो सबसे अच्छा समय है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट, हमें किस समय पर प्लांट में इस छोर पर पानी नहीं देना चाहिए। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि दोपहर हमें पानी नहीं देना चाहिए, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून, हमें दोपहर पानी नहीं देना चाहिए, हमें दोपहर पानी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का, व्हाट हैपेंस इफ वी वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून, यदि हम दोपहर पानी देते हो तो क्या होगा। तो बच्चों ने इस पोएम में सीखा था कि यदि हम दोपहर पानी देंगे तो जो फूल है वो मुरझा जाएंगे, मिस मर जाएंगे। तो इफ वी वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून दे विल डाई, यदि हम पानी देते तो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर, हमें प्लांट में छोड़कर किस जो कौन सा पार्ट है वहाँ हमें पानी देना चाहिए। तो बच्चों ने इस पोएम में सिखाया कि जो रूट जो मूले है वहाँ पानी देना चाहिए, यानी कि ये जो पेड़ है उसके मूले होते हैं, मीन्स रूट्स, उस पर हमें पानी देना चाहिए ताकि वो जो पानी है यहाँ तक आ सके। और ये जो फल है वो अच्छी तरह आ सके, ऐसे में ये यहाँ से पानी देना चाहिए कि मूले के पानी को यानी कि रूट्स के जरिए से वो ऊपर तक पहुंचे। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीड, तो बच्चों उसको रूट के अलावा थर्स्टी फीड भी कहा जाता है। तो बच्चों हम लिखेंगे रूट्स। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है वी शुड वाटर द प्लांट इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, हमें पानी प्लांट में सुबह और शाम देना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है वी शुड नॉट वाटर द प्लांट इन द आफ्टरनून, हमें दोपहर पानी नहीं देना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट है वी शुड वाटर द रूट्स ऑफ द प्लांट, हमें प्लांट के जो रूट्स होते हैं, जो मूले होते हैं, जो थ्रस्टी फीट होते हैं, वहाँ पानी देना चाहिए, यहाँ से ऊपर तक पानी जा सकता है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए, रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर द प्लांट इन द मॉर्निंग, यदि हम सुबह पानी देते हो तो क्या होता है। तो उससे उसका जो ग्रो होता है, ग्रो मीन्स बढ़ना, वो अच्छी तरह से होता है। तो जो ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन आएगा ए। बच्चों टर्न द पेज, टर्न द पेज, सिक्स नंबर का, फ्रॉम वेयर डू द फ्लावर्स गेट वाटर, हमें जो अच्छे अच्छे फूल चाहिए तो हमें कहाँ पानी देना चाहिए। तो हमें बच्चा रूट्स में पानी देना चाहिए, तो हम ऑप्शन ए पर सर्कल करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे फ्रॉम रूट्स।
नेक्स्ट सेवन थर्स्टी फिट पीस। थर्स्टी फिट को दूसरा क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। तो बच्चों हम सी रूट्स पर सर्कल करेंगे और काउंस में मिस बॉक्स में लिखेंगे सी। नेक्स्ट ब्राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। तो बच्चों हमने यहाँ कोई भी डार्क या कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया है, तो हमें हमारी तरफ से राइमिंग वर्ड लिखने। अवर टाइम, हाई तो साई, रूट्स तो बूट्स, हीट तो चीट। बच्चों हवर का कवर भी लिख सकते हैं और अवर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर का ब्राइट वर्ड्स। ब्राइट वर्ड विद सिमिलर साउंड फ्रॉम दी पोएम। हमें पोएम में से जो सिमिलर साउंड है वो हमें लिखना है। अवर अवर, देर तो देर, फ्लोर फ्लावर, वेर तो वेर, सन तो सन, थ्रू तो थ्रू, THROUGH। नेक्स्ट है बच्चों राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। नून डे मीन्स दोपहर, तो उसको आफ्टरनून भी कहा जाता है। सो मेक समथिंग वेरी वेट, जो कोई भी गीला हो उसको सो कहा जाता है। तो हमें उसका जो मीनिंग है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द गिविंग ट्री, उसका दूसरा है हमने बच्चों ये जो लेसन सीखा था कि एक बच्चा है और एक सेब का ट्री है। तो बच्चा जब छोटा है तो झूला भी लेता है, उस पर चढ़ भी जाता है, सेब भी खाता है। जब जब वो बड़ा होता है तब तब उसकी मांग बहुत बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले वो सेब लेता है और मार्केट में बेचकर पैसा कमाता है। उसके बाद वो अपने लिए हाउस के लिए जो ब्रांचेस होती है वो कट करता है। उसके बाद उसको कहाँ जाना है, तो उसको नाव चाहिए, उसको बोट चाहिए। इसके लिए वो भी जो शाखाएं होती है वो काट देता है। और लास्ट में उसके पास ओनली सिक्स स्टंप, जो ये जो पेट का निचला भाग होता है उसको स्टंप कहा जाता है, भी बचता है। तब वो जो व्यक्ति बूढ़ा बन जाता है और जो पेड़ के पास आता है, तो उसको पेड़ ये कहता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे अब तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए, मैं ये जो स्टंप है वहाँ मैं बैठने के लिए आता हूँ और मैं उस पर आराम करूँगा। ऐसा एक लेसन था जो हमने टेक्स्ट में सीखा था। उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। वो बच्चा था, वो ट्री के साथ कैसे रहता था और कैसे आनंद लेता था। तो बच्चों ने सीखा था कि वो पेड़ के साथ झूले लेता था और उसके जो डिलीशियस स्वादिष्ट जो एप्पल थे वो भी खाता था। और जब भी वो थक जाता था तो उसकी जो शेड थी, उसकी जो छाव थी, वहाँ वो रहता था। तो बच्चों उसका आंसर लिखेंगे द बॉय एंजॉय स्विमिंग फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेस, ईटिंग इट्स डिलीशियस एप्पल्स एंड स्लीपिंग इन इट्स शेड व्हेन ही वाज टायर्ड। जब भी वो थक जाता था तो वहाँ सो जाता था, जब भी उसको भूख लगती थी तो उसके सेब खाता था, और जब भी उसको इच्छा होती थी तो वो झूले लेता था। हम बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। बच्चों टर्न द पेज।
फैक्ट्री के पास पैसे तो बच्चों थे ही नहीं, तो वो बच्चे को कैसे मदद करता था। तो जब वो बच्चा ट्री के पास पैसे लेने के लिए आया, तब ट्री ने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे एप्पल्स लेकर बाजार में बेचकर तुम पैसे कमा सकते हो, ऐसे उसने कहा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक इट्स एप्पल्स, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी। ट्री ने कहा कि तुम मेरे एप्पल ले लो और मार्केट में बेच लो और आप पैसे ले लो, ऐसे कहा था। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड नंबर का, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चे ने ट्री की जो शाखाएं थी उसके साथ क्या किया था। तो जब बच्चा ट्री के पास आया वो कहने लगा कि अब मैं फैमिली वाला हूँ, यानी कि मैंने मैरिज कर ली है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे घर चाहिए। तब वो पेड़ ने कहा कि ये जो मेरी ब्रांचेस है तुम ये ले जाओ और इससे तुम तुम्हारा घर बनाओ, ऐसे कहा था। तो बच्चे ने वो ब्रांचेस काट कर अपना घर बनाया था, यानी कि फर्नीचर बनाया था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यानी कि बच्चे ने ब्रांचेस यानी कि शाखा में से उनका घर बनाया था। तो द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। ये होती है कुछ ब्रांचेस होती है, और ये जो पार्ट होता है ट्रंक। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। सबसे पहले एप्पल ले गया, उसके बाद ब्रांचेस लेकर आया, तो ट्रंक के साथ बच्चा क्या करना चाहता था। और वो बच्चा नहीं रहा था, वो बड़ा आदमी बन चुका था। तो द बॉय मेक अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो ट्रंक के साथ एक बड़ी सी बोट मीन्स नाव बनाना चाहता था, जो हमारी मदर टंग में होड़ी कहते हैं उसको बनाना चाहता था, जो ऐसी होती है। The tree always gave birth to a goat.
ट्री ऑलवेज गेव, ट्री ने ऑलवेज हमेशा सब कुछ दिया है, बट नेवर गॉट एनीथिंग फ्रॉम द बॉय। वो जो ट्री था वो बच्चे को सब कुछ दिया है, लेकिन बच्चे के पास से ट्री ने कुछ भी नहीं लिया है, इसे वहाँ कहाँ कहाँ, इसलिए उसको गिविंग ट्री कहा है। तो हम कुछ उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द प्लेस कॉल्ड गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री गेव अवे एवरीथिंग टू द बॉय व्हेन द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विद द स्टॉम्प व्हेन इवन दैट वाज यूजफुल टू सीट एंड रेस्ट ऑन व्हेन द बॉय बिकेम ओल्ड। यानी कि जब तक बच्चा बूढ़ा हुआ तब तक वहाँ वो आता रहा। द ट्री ऑलवेज गेव, ट्री ने हमेशा सब कुछ दिया है, बट नेवर गॉट एनीथिंग फ्रॉम द बॉय, वो सब कुछ दिया है लेकिन कभी भी बच्चे के पास से कुछ भी नहीं लिया है, इसे वहाँ ये जो लेखक है उसने कहा है, मीन्स राइटर। नेक्स्ट बच्चों राइट द ऑप्शन, राइट द ऑप्शन। फर्स्ट है द बॉय एंजॉय स्विमिंग फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेस। बच्चा था वो पेड़ के जो ब्रांचेस की शाखा पर झूला लेकर आगन लेता था। बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट द बॉय एट द डिलीशियस एप्पल ऑफ द ट्री। बच्चे ने ट्री पर से स्वादिष्ट एप्पल खाए थे। बच्चों ऑप्शन आएगा ए। द बॉय स्लेप इन द शेड ऑफ द ट्री व्हेन ही वाज टायर्ड। जब जब बच्चा थक जाता था तो पेड़ की जो छांव थी उसमें सो जाता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट द ट्री आस्क द बॉय टू प्लक इट्स एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट टू अर्न मनी। ट्री ने बच्चे को कहा कि यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे एप्पल चुन चुन के आप उसको बाजार में बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो, ऐसे कहा था। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ नंबर का, द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चा ट्री की जो शाखा है उसमें से मेड अ हाउस मीन्स घर बनाना चाहता था, क्योंकि वो अब मैरिज कर रहे थे और उनके पास घर नहीं था, इसलिए वो घर बनाना चाहता था। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो
भी आपको बच्चों वर्कबुक लेकर ही बैठना है ताकि हमारी जो बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करा सकें। तो बच्चों थैंक यू।